हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सीबीएसई स्कूल के एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर। आज का पेपर है क्लास थर्ड ईवीएस से। इससे पहले मैंने क्लास थर्ड के कंप्यूटर सब्जेक्ट से भी पेपर डाल रखे हैं, साथ ही और क्लास के भी क्वेश्चन पेपर आपको एनुअल एग्जाम के यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस में है डैश इज एन इंडोर गेम, लूडो, क्रिकेट या फुटबॉल। टू, द फूड आइटम वी कैन ईट फ्रॉम प्लांट्स इज एग, मिल्क, पोटैटो। इसमें से कौन से फूड आइटम को हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। नंबर थ्री, द पर्सन हु रिपेयर कार एंड स्कूटर इज कॉल्ड, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं जो हमारे स्कूटर को रिपेयर, स्कूटर या कार को रिपेयर करता है। ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ या मैकेनिक। नंबर फोर, वी टेक डैश व्हेन वी हैव ए टूथेक, जब हमें, हम क्या लेते हैं जब हमें दांत दर्द होता है, अजवाइन या क्लोव या तुलसी। नेक्स्ट फिफ्थ, द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस स्मेल्स इज, सेंस ऑर्गन हमें मदद करता है स्मेल्स सूंघने में, कौन सा सेंस ऑर्गन, नोज, टंग या ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, नेम द फोर एनिमल डैट वी कैन नॉट टच, हमें चार एनिमल का यहाँ पर नाम लिखना है जिसे कि हमें टच नहीं करना है, जिसे हम टच नहीं करते हैं, जिसे कि हम टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर थ्री, राइट द नेम ऑफ फोर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फोर कम्युनिकेशंस के नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्ले द फॉलोइंग, क्रिकेट या कैरम खेलने के लिए हमें कौन कौन से थिंग्स यानी वस्तुओं की जरूरत होती है इस गेम को खेलने के लिए। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल वेस्ट ऑन डैट दे ईट, ये यहाँ पर दिया गया है, इससे हमें अलग अलग डिवाइड करना है कि कौन से एनिमल फ्लैश ईटर्स है और कौन से प्लांट ईटर है। इस एनिमल्स में काउ, टाइगर, वुल्फ, डियर, एलिफेंट, हाइना, गोट, जेब्रा, लियोपॉड एंड लॉयन, इसको डिवाइड करके दो कॉलम में अलग अलग हमें लिखना है। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ डू यू वियर इन समर, किस तरह के कपड़े हमें समर में पहनते हैं। नंबर बी, नेम द मटेरियल्स डैट आर नीडेड टू बिल्ड अ हाउस, घर को बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है, वो हमें यहाँ पर नाम लिखना है। नंबर सी, नेम द टू बिग ट्री, दो बड़े पेड़ के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, फ्रॉम विच एनिमल डू वी गेट द फॉलोइंग, हमें कौन से एनिमल से ये प्राप्त होता है, ये हमें यहाँ पर उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं। उन कौन से एनिमल से प्राप्त होता है, मिल्क, हनी और एग, इसमें एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिस एनिमल से हमें ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कलर द रेनबो इन प्रॉपर ऑर्डर एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, प्रॉपर ऑर्डर में इस रेनबो को हमें कलर करना है और इसके क्वेश्चन के जवाब देना है। नंबर ए, वेन डू यू सी अ रेनबो, हम रेनबो कब देखते हैं। एंड बी, वेयर डू वी फाइंड अ रेनबो, हम कहाँ रेनबो को फाइंड करते हैं, कहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन, ये वर्ड दिए गए इसको हमें यहाँ पर फिलअप करना है। अ पर्सन हु कट आवर हेयर इज कॉल्ड, वो पर्सन जो हमारे बाल काटता है उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन होंगे उसे आपको लिखना है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ग्रो फूड इन फील्ड अ कॉल, वैसे पर्सन जो खेतों में खाने को, फसल को ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। नंबर सी, अ पर्सन हु ट्रीट पेशेंट इज कॉल्ड, पेशेंट को जो पर्सन देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एंड नंबर डी, अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर टू अस अ कॉल, जो हमारे लेटर्स लेकर आते हैं उस पर्सन को हम क्या कहते हैं। एंड नेक्स्ट, अ पर्सन हु टीच इन स्कूल इज अ कॉल, वो पर्सन जो हमें स्कूल में टीच करते हैं, हु टीचेस, हम पढ़ाते हैं स्कूल में, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल लगे और एक बार अवश्य आप अपने बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए कि आपके बच्चे की तैयारी कैसी है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।